अगर आपका सपना है एक बैंक में जॉब लेना और आप सोच रहे हो भैया कैसे करेंगे, क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ एक बैंक में जॉब लेने के लिए अगर वो है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम जुनैद है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत ज़्यादा से बड़ी चीज़ है अपने आप में। कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप हर वो काम कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, ठीक है, जैसे एक इंटरव्यू को क्रैक करना या फिर कोई चीज़ों को सेल करना या कुछ भी। तो रोल क्या है इसका एक जॉब लेने के पीछे का और बैंकिंग फील्ड में क्यों ज़रूरी है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको मतलब इतना घुमा फिरा के क्यों लोग बताते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ हिंदी की लैंग्वेज में। देखिए, किसी भी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो आप और अगर आप तरीके से बात कर रहे हो, सामने वाले को ईजिली समझा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन का ज्ञान है। लेकिन अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बता रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अभी वीक हो चीज़ों को करने में। कम्युनिकेशन स्किल में आपका जो एचआर है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो यही जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला जो पार्टी है ये बोल कैसे रही, सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू देने आया है ये बोल कैसे पा रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन का ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। आपको बातचीत करना आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पहना क्या हुआ, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो हैंड है वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, फेस कैसा रिएक्ट कर रहा है, हाव भाव क्या है आपके चेहरे के। मतलब ये है कि आप लोगों के साथ अगर मिलते हो तो खुशी के साथ मिलते हो या गम के साथ मिलते हो या ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव से मिलते हो, तो ये एक बात है। सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, बैंकिंग फील्ड में क्यों ज़रूरी है, तो देखिए बैंक में ज़्यादातर जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल करने के होते हैं और आपको ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कस्टमर से। और अगर आप कस्टमर से गुस्से में बात कर रहे हो, चिड़चिड़े स्वभाव में बात कर रहे हो, तो यार कस्टमर एक ही चीज़ बोलेगा, बेकार है ये बंदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, एक अच्छा रिलेशनशिप तभी बन पाता है जब आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जान लेते हैं। तो बात करना आना बहुत ज़रूरी है और ये भी अपने आप में एक हुनर है, ये भी एक ट्रिक है कि हाँ बात कैसे करते हैं, इसको भी सीखना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद से नहीं आती हैं। तो प्लीज़ आप इस पर मेहनत करेंगे तो आप ये सीख जाएंगे, बैंकिंग फील्ड में तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो कम्युनिकेशन का या। और उस कोर्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, बहुत कम कीमत है उस कोर्स की, तो जाके आप उसको जो है ज़रूर परचेस करिएगा। उसमें कंप्लीट पैकेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो अवेलेबल है, जाइए परचेस कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे फ्री में कम्युनिकेशन सीखना है तो मैं मानता हूँ कि यार बहुत मेहनत लगने वाली है, और ऐसा नहीं है कि उस बुक को ख़रीदने के बाद आप उस बुक को पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत रिसर्च लगने वाली है, बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रख लें आप, अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए तो कम्युनिकेशन करना, बात करना, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, इन सारी चीज़ों पर आपको ना काम करना पड़ेगा। फिलहाल आप एक काम कर लीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ जो बुक बताई है उस बुक को परचेज कर लीजिए। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।